Hello students, welcome to online class. Today I am going to start your chapter 8, more on paint. In the previous chapter, you have learned how to make simple drawings in paint using the commands in the home tab on the ribbon. आपने अपने last chapter में MS Paint की कुछ simple commands के बारे में देखा था, जो आपके ribbon के home tab में थी. Till now, you have learned about the use of line, rectangle, oval and fill with color. Let us recall the commands in tools, shapes, color group and learn some new commands. अभी तक आप oval, fill with color, rectangle इन सारी चीज़ों से familiar हो चुके हैं, यानी कि समझ चुके हैं. अब हम इसके कुछ और commands के बारे में देखते हैं. Tools, shapes, colors group. अब हम इन कमांड्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. यू कैन यूज पेंसिल फॉर ड्राइंग और राइटिंग एनीथिंग विद अ फ्री हैंड मूवमेंट. आप पेंसिल का यूज कुछ भी आप राइट करने के लिए या फिर ड्रॉ करने के लिए एमएस पेंट में कर सकते हैं, जिसको आप फ्री हैंड मूवमेंट कहते हैं. इरेजर इज मेड फॉर इरेजिंग एनी पार्ट ऑफ अ पिक्चर और टेक्स्ट. MS Paint में इरेजर का यूज़ आपके किसी भी पार्ट को इरेज करने के लिए किया जाता है. ब्रशेस, ब्रशेस कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रशेस. यूजिंग दीज ब्रशेस यू कैन ड्रॉ विद अ फ्री हैंड मूवमेंट. MS Paint में ब्रशेस कई टाइप्स के होते हैं. आप इन ब्रशेस को यूज़ करके अपनी ड्राइंग को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं. टू सी अ ड्राइंग इन लार्ज साइज मैग्नीफायर इज़ यूज. किसी भी ड्राइंग को लार्ज साइज में देखने के लिए आप मैग्नीफायर का यूज़ कर सकते हैं. ड्राइंग अ पिक्चर. नाउ लेट अस लर्न टू मेक अ ब्यूटिफुल पिक्चर विद अ फ्लैग एंड सन. फ्लैग और सन को आप कैसे आप MS Paint में बनाते हैं. टू मेक द ड्राइंग फॉलो द गिवन स्टेप्स. कोई भी ड्राइंग करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं. स्टेप वन, क्लिक होम टैब. सबसे पहले होम टैब पर क्लिक करिए. स्टेप टू, क्लिक रेक्टेंगल फ्रॉम द शेप्स ग्रुप. शेप्स ग्रुप में जाके रेक्टेंगल पर क्लिक करिए. स्टेप थ्री, ड्रैग एंड ड्रॉ आ रेक्टेंगल एज शोन. रेक्टेंगल जैसे आप देख रहे हो, हम फ्लैग बना रहे हैं, तो हमने एक यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ करा है. तो आप इसको शेप्स में जाके रेक्टेंगल पर क्लिक करके रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं. स्टेप फोर, ड्रॉ टू लाइंस विद इन द रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इक्वली. अब आपको जब फ्लैग बनाना है तो इसको इक्वल टू पार्ट्स, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसके लिए आपको टू लाइंस ड्रॉ करनी होगी. स्टेप फाइव, क्लिक द ओवल फ्रॉम द शेप्स ग्रुप. ड्रॉ टू सर्कल्स एज शोन. अब आप ओवल पर क्लिक करिए और यहाँ सर्कल को ड्रॉ करिए. एक सर्कल आपके फ्लैग के मिड में और एक आपका सन बनाना है तो सन के लिए. स्टेप सिक्स, ड्रॉ पोल एंड स्टेयर्स एज शोन यूजिंग रेक्टेंगल एंड लाइन टूल्स फ्रॉम शेप्स ग्रुप. ऑल्सो ड्रॉ लाइन्स ऑन सन्स. अब यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, अपना सन की जो ये लाइन्स है साइड की वो आप ड्रॉ करेंगे और फ्लैग की जो बाकी की आपकी शेप्स हैं वो ड्रॉ करेंगे. स्टेप सेवन, क्लिक पेंसिल फ्रॉम टूल्स ग्रुप. फिर टूल्स ग्रुप में जाके पेंसिल पर क्लिक करेंगे. स्टेप एट, ड्रैग एंड ड्रॉ द रोप ऑफ द फ्लैग एज शोन. अब आप जैसा इस फिगर में देख रहे हो, जिस इसमें जो रोप बनाया है वो आपको ड्रॉ करना होगा पेंसिल से. स्टेप नाइन, चूज फिल विथ कलर. फिर फिल विथ कलर का ऑप्शन चूज करेंगे अपने फ्लैग में कलर्स फिल करने के लिए फ्रॉम टूल्स ग्रुप. टूल्स ग्रुप में जाके चूज द कलर टू बी फिल्ड फ्रॉम द कलर ग्रुप एंड द फ्लैग एंड सन. और इसमें आप फिल विथ कलर पे क्लिक करके आप फ्लैग और सन में कलर्स फिल कर सकते हैं. स्टेप टेन, क्लिक ब्रशेस फ्रॉम टूल्स ग्रुप. इसके बाद टूल्स ग्रुप में जाके ब्रशेस पर क्लिक करिए. यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस. आप कई टाइप्स के ब्रशेस उसमें देखेंगे. स्टेप 11, चूज क्रेयॉन ब्रश. फिर क्रेयॉन ब्रश पर क्लिक करिए. स्टेप 12, चूज ब्राउन कलर एंड
कलर द पोल ऑफ द फ्लैग एज शोन। फिर ब्राउन कलर चूज़ कीजिए और जिससे कि आप इसके पोल पर कलर कर सकें। स्टेप 13, नाउ अगेन क्लिक द ब्रशेस फ्रॉम टूल्स ग्रुप एंड चूज एयर ब्रश। फिर से आप टूल्स ग्रुप के ब्रशेस में जाइए और एयर ब्रश ऑप्शन को चूज़ कीजिए। स्टेप 14, चूज ग्रीन कलर स्प्रे बाय क्लिकिंग एट वेरियस प्लेसेस एज शो टू ड्रॉ ग्रास बिलो द फ्लैग। योर ब्यूटिफुल पिक्चर इज़ रेडी। इसके बाद आप ग्रास बनाने के लिए स्प्रे कलर यानी कि एयर ब्रश को चूज़ करेंगे जिससे कि आपकी ये ब्यूटीफुल पिक्चर रेडी हो जाएगी। यूजफुल टिप्स, देयर शुड बी नॉट एनी गैप इन द आउटलाइन ऑफ द पिक्चर व्हाइल यू यूज फिल विद कलर। आपके लिए जब भी आप कलर फिल करें तो एक सबसे बड़ी टिप ये है कि आप कोई भी गैप लाइन्स के बीच में नहीं आप छोड़ेंगे। If it happens that the color spills out of the picture, अगर ऐसा होता है कि आपकी जो क्लोज फिगर नहीं होता है तो वो सारा कलर आपके होल बैकग्राउंड में फिल हो जाएगा। Do you know when different tools or shapes are selected, the shape of the mouse pointer changes? जब आप different tools और shapes को select करते हैं तो आपके mouse pointer की जो shape है वो change हो जाती है automatically. For example, पेंसिल पॉइंटर लुक्स लाइक एंड फिल विद कलर पॉइंटर लुक्स लाइक दिस। इनके पेंसिल पॉइंटर ऐसा शो होगा और फिल विद कलर इस तरह से कुछ शो होगा। मैग्नीफाइंग अ पिक्चर, अब आप इसी पिक्चर को कैसे मैग्नीफाई कर सकते हैं यानी कि बड़ा करके देख सकते हैं। यू कैन सी स्मॉल लाइन्स और इमेजेस इन अ लार्ज फॉर्मेट आफ्टर मैग्नीफाइंग दैम। आप किसी लाइन को या इमेजेस को लार्ज फॉर्मेट में देख सकते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू मैग्नीफाई एन इमेज। स्टेप्स किसी भी इमेज को मैग्नीफाई करके देखने यानी कि जूम करके या एनलार्ज साइज में देखने के लिए आपको इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, क्लिक द मैग्नीफाई फ्रॉम टूल्स ग्रुप। टूल्स ग्रुप में जाके मैग्नीफायर ऑप्शन पर क्लिक करिए। The shape of the pointer changes and rectangular box appear. आपके pointer की जो shape है वो change हो जाएगी, एक rectangular box बन जाएगा। Step 2, click the part of the picture that you want to see in large size. आपको जिस picture का जो भी part large size पे देखना है, magnify करके देखना है, उस पर click करिए। To see the original picture again, follow the given steps. अगर आपको इसके original size में लेकर आना है तो उसके भी स्टेप्स हैं। स्टेप 1, क्लिक द मैग्नीफायर फ्रॉम द टूल्स ग्रुप। टूल्स ग्रुप में जाके मैग्नीफायर पे क्लिक करिए। स्टेप 2, टू मेक इट कम बैक टू इट्स नॉर्मल साइज राइट क्लिक और एनी पार्ट ऑफ द पिक्चर। इसको इसके नॉर्मल साइज में लाने के लिए इसको पिक्चर के किसी भी पार्ट पर क्लिक करिए। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Stay home, stay safe.